हेलो गाइज, नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखते देखते मोबाइल ऑफ क्यों हो जाता है। दोस्तों, जब भी आप इंस्टाग्राम पर कोई रील्स यहाँ पे कोई वीडियोस देखते हो, जब यहाँ पर रील्स पर जाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। तो आप कोई भी वीडियो यहाँ पर देखते हो तो देखने के बाद यहाँ पर जब पूरा देखते हो, जैसे कि यहाँ पर रुक करके वीडियो को पूरा देखना चाहते हो, तो होता क्या है कि आपका जो फ़ोन होता है, जो आपका स्क्रीन होता है, यहाँ पर अपने आप से ऑफ हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पे मोबाइल ऑफ हो चुका है, यानी कि स्विच ऑफ हो चुका है। तो आप जब भी यहाँ पे लॉक वाला बटन पर क्लिक करके ओपन करते हो तो बहुत ही आसानी से आपका यहाँ पे लॉक रहता है फ़ोन, और आपको पता चलता है कि हमारा फ़ोन बिल्कुल लॉक है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कौन सी सेटिंग करनी है। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा, वीडियो स्किप ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट करना। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपके इंस्टाग्राम पर ही ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग का इंस्टाग्राम पे आता है और बहुत सारे लोग का यहाँ पे यूट्यूब पर आता है। जब वहाँ पर मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं तो मूवी देखते देखते ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फ़ोन जो है स्विच ऑफ नहीं, यहाँ पे ऑफ हो जाता है। आपको लगता होगा कि स्विच ऑफ है, लेकिन जब भी आप लॉक का बटन ओपन करते हैं, वहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपका फ़ोन पता चलता है कि ऑफ हो चुका है, और आप यहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह डालकर फिर से उसको ऑन करते हो, उसको ओपन करते हो। तो क्या करना है, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताता हूँ आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल में जो आपके सेटिंग्स होते हैं आपको ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन, सिंपली आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। क्लिक आप जैसे ही करते हो गाइज, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्लीप लिखा हुआ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर ही ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे 15 सेकंड या 30 सेकंड पर यहाँ पे टिक करके रखे हो, इसलिए आपका फ़ोन यहाँ पे अपने आप से लॉक हो जाता है, अपने आप से ऑफ हो जाता है स्क्रीन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 10 मिनट का ऑप्शन मिलेगा या फिर 5 मिनट, आपको यहाँ पे कर देना है 10 मिनट वाले ऑप्शन पर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पर गए, जब आप कर देते हो 10 मिनट पे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपका अगर पहले से ही 10 मिनट पे यहाँ पे है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि गाइज, यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एप्लीकेशन जो होते हैं, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, वहाँ पर बहुत सारे बग्स वगैरह आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपडेटेड कर लेना है अपने प्ले स्टोर से जा करके, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, वहाँ से अपडेटेड करके आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर दबाए रखना है। जी हाँ गए, जहाँ पर आप इन्फो पर क्लिक करके आपको क्या करना है, वही एप्लीकेशन पर आ जाना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है क्लियर डाटा, सिंपली क्लियर डाटा पर क्लिक करके आपको क्लियर कैच का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर कर देना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आपके इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे या फिर यूट्यूब पर कोई बग्स वगैरह आते हैं तो आपके यहाँ पे फ़ोन ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं, अपने से यहाँ पे ऑफ हो जाते हैं। तो आपको क्लियर कैच करके ओके कर देना है, और आपको यहाँ पे फिर से ओपन करना है तो आपकी प्रॉब्लम 110% सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।